iPhone 14 Pro Max versus iPhone 12 Pro Max. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे iPhone 12 Pro Max को जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में, उसको कंपेयर करेंगे iPhone 14 Pro Max से. बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये है कि अगर आपके पास iPhone 12 Pro Max पहले से है तो क्या आपको iPhone 14 Pro Max में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं. तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बिल्ड एंड डिजाइन की. तो भाई देखो, जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. यहाँ पे आपको डिजाइन में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा. बस यहाँ पे जो इसके कैमरा लेंसेज हैं इसको काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है. तो डेफिनेटली कैमरा मॉड्यूल तो बहुत ज्यादा बड़े हैं एंड इसका जो कैमरा बम्प है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है. इसके अलावा इसके फ्रेम की बात करें तो दोनों में ही आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिल जाता है. दोनों में ही आपको पीछे मैट ग्लास का टेक्सचर मिलता है. दोनों के ही कैमरा मॉड्यूल आपको ग्लॉसी मिलते हैं. दोनों के ही फ्रंट में आपको सेरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है. यहाँ पे iPhone 14 Pro Max हल्का सा ज्यादा थिक है एंड दोनों के वेट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. iPhone 12 Pro Max 228 ग्राम का है तो ये 240 ग्राम का है. तो यहाँ पे आपको हल्का सा वेट में डिफरेंस भी मिलेगा. साथ ही साथ iPhone 14 Pro Max थोड़ा सा ज्यादा मोटा भी है 12 Pro Max के कंपैरिजन में. दोनों के दोनों IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि दोनों को ही आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स. तो यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंट भी सेम ही है एंड मैं बोलूंगा इनफ है. 12 Pro Max में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता था, इसमें 5.3 मिल रहा है. एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आपको एक और बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि है इसका नॉच. iPhone 12 Pro Max में आपको नॉच मिलता था, यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है. तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के डिजाइन में. इसके अलावा कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिस्प्ले. एंड डिस्प्ले में आपको जो रेजोल्यूशंस देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है. iPhone 12 Pro Max में आपको मिलता है 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि एक OLED डिस्प्ले है. HDR 10 को सपोर्ट करता है, Dolby Vision को सपोर्ट करता है. वहीं iPhone 14 Pro Max में आपको मिलता है LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि अगेन सपोर्ट करता है HDR 10 को, Dolby Vision को. यहां पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. जहां iPhone 12 Pro Max का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 87.4%, वहीं iPhone 14 Pro Max का 88.3%. इसका मतलब ये है कि iPhone 14 Pro Max की जो बेजल्स हैं वो बहुत कम हैं. पर ये डिफरेंस आपको इतना कुछ खास नहीं लगेगा, ये चीज इतनी इजीली नोटिस नहीं हो पाती है. बाकी ये इसका नॉच तो अलग से ही नोटिस हो जाता है. iPhone 12 Pro Max में आपको बड़ा वाला नॉच मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है. ये डायनामिक आइलैंड आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपके पास एयरपॉड्स कनेक्ट हो रहे हैं तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ ऊपर शो करता है. ऑल्सो आप इस डायनामिक आइलैंड पे टच भी कर सकते हो. एंड ये iPhone 14 Pro का बहुत बड़ा की एलिमेंट हो गया है, इसकी वजह से लोग पागल हो रहे हैं iPhone 14 Pro या 14 Pro Max लेने के लिए. इसके अलावा अगर इन दोनों की ब्राइटनेस की बात करूं तो iPhone 12 Pro Max आपको देता है 1000 nits की ब्राइटनेस एंड इसकी पीक ब्राइटनेस आपको 1200 nits मिल जाती है. लेकिन वहीं iPhone 14 Pro Max की नॉर्मल ब्राइटनेस 1000 nits है एंड इसकी पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है 2000 nits तक. यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं बना हुआ है जो कि इस लेवल की आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा जो कि iPhone 14 Pro Max देता है. तो अगर आप आउटडोर में फोन वगैरह ज्यादा यूज करते हो तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है आपको इन दोनों की ब्राइटनेस में. बाकी इनके डिस्प्ले रेजोल्यूशन में भी इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ डायनामिक आइलैंड ही नहीं है जो कि iPhone 14 Pro में आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्विच कर सकता है 1 Hz से 120 Hz तक. और वहीं iPhone 12 Pro Max लिमिटेड है 60 Hz के लिए. तो यहाँ पे आपको जो स्मूथनेस देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा कमाल लेवल की देखने को मिलेगी iPhone 14 Pro Max में. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि iPhone 12 Pro Max आपको 1 सेकंड में 60 स्क्रीन्स दिखाता है जब भी आप ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, लेकिन वहीं iPhone 14 Pro Max आपको 120 फ्रेम्स तक दिखा सकता है. तो जिसकी वजह से आपको जो स्मूथनेस फील होगी वो अनदर लेवल होगी. इसी के साथ यहाँ पे iPhone 14 Pro Max में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है. कई लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनकी बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा खा लेता है. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये फीचर अच्छा लगा या फिर नहीं लगा. पर्सनली मैं इस वाले फीचर को ऑफ ही रखता हूँ बिकॉज काफी ज्यादा बैटरी ले लेता है ये. इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैंने अपना फोन चालू तो नहीं छोड़ दिया, तो मुझे दो दो बार चेक करना पड़ता है. तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अननोइंग लगती है, दैट्स व्हाई मैं इस वाले फीचर को ऑफ ही रखता हूँ. इसके अलावा भाई डायनामिक आइलैंड तो बहुत कमाल की फीचर हो ही जाता है. थोड़े बहुत एनिमेशन अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिल रहा है. लेकिन हाँ, मैं ये चीज बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा ऐसे किसी काम का नहीं है. हाँ, थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको एकदम यूज हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं लगेगी. तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो हाँ भाई, अपग्रेड तो बहुत तगड़ा है. इसकी ब्राइटनेस का अपग्रेड बहुत तगड़ा है, इसके प्रोमोशन डिस्प्ले का अपग्रेड बहुत तगड़ा है, ऑलवेज ऑन का अपडेट बहुत तगड़ा है. तो हाँ, मैं बोलूंगा काफी अच्छा खासा डिस्प्ले मिल रहा है आपको iPhone 12 Pro Max के कंपैरिजन में. अब बात कर लेते हैं इन दोनों की चिपसेट की. तो iPhone 12 Pro Max में आपको देखने को मिल जाता है A14 Bionic चिप, वहीं iPhone 14 Pro Max में आपको मिलती है A16 Bionic चिप. दोनों ही फोन्स में आपको 6GB की रैम मिल जाती है. हाँ, यहाँ पे सिर्फ आपको कोर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बाकी चिपसेट के जनरेशन का भी डिफरेंस है. तो चलो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों का Geekbench और देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये. यहाँ पे iPhone 12 Pro Max के अगर स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल कोर का स्कोर मिलता है 1580
85 एंड मल्टीकोर का स्कोर मिलता है 4216 जो कि ह्यूज है। ये कहीं से भी कम नहीं है, अगर आप किसी एंड्रॉइड फोन से भी कंपेयर करते हो तो ये बहुत कमाल का स्कोर है। वहीं अगर बात करूं आईफोन 14 प्रो मैक्स की तो यहां पे जो स्कोर्स मिल रहे हैं ये 1875 और 5382 यानी कि 5382 मिल रहा है, जो कि हां डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो मैक्स में ज्यादा है लेकिन कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हां 14 प्रो मैक्स को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है पर 12 प्रो मैक्स कहीं से भी कम नहीं है। तो गाइस कर लेते हैं इन दोनों का आई मूवी टेस्ट और देख लेते हैं कि इन दोनों के परफॉर्मेंस में एक्चुअली क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के ही आई मूवी में मैंने एग्जैक्टली सेम क्लिप को डाला एंड दोनों को एक साथ रेंडर करके देखा तो जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे बिकॉज दोनों के दोनों फोनों ने एग्जैक्टली सेम टाइम पे कंप्लीट किया रेंडरिंग। एंड मैं बोलूंगा कि यार देखो अगर ये डिफरेंस, चलो ठीक है बहुत छोटी सी क्लिप डाली थी मैंने, अगर बहुत ज्यादा हैवी कोई टास्क भी करोगे ना तो भी शायद ही आपको एक सेकंड का डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों की परफॉर्मेंस में, बाकी दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कमाल करते हैं। iPhone 12 Pro Max ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्टर है तो डेफिनेटली उसको और ज्यादा एनहेंस किया गया है 14 Pro Max में, लेकिन ये भी कहीं से भी कम नहीं है। तो चलो क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो अब बात कर लेते हैं दोनों के अंदर गेमिंग की। तो भाई साहब गेमिंग का भी एक्सपीरियंस आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, कोई इतना कोई बड़ा खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको इन दोनों की परफॉर्मेंस में। एंड हाँ क्योंकि अभी गेमिंग की बात हो रही है एंड क्योंकि अब मैं हीटिंग की बात करने वाला हूं तो मैं पहले एक चीज आपको मेंशन कर देता हूं, अगर आपका फोन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अगर उसकी बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है तो भाई ऑब्वियसली आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो परफॉर्मेंस मिलेगी, जो हीटिंग इशू मिलेगा वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको 12 प्रो मैक्स में। बट आईफोन 14 प्रो मैक्स क्योंकि अभी अभी आया है एंड अभी अभी क्या ही इसकी बैटरी हेल्थ डाउन होगी तो भाई तो अभी जो नए नए होने के कारण जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो बहुत ज्यादा कमाल की मिल रही है। तो हीटिंग इशू अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स में तो नहीं है लेकिन मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स में हल्का हल्का हीटिंग का इशू दिखा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस कंडीशन का फोन है। भाई अगर आपने इसको काफी ज्यादा हैवी यूज नहीं किया है, बैटरी हेल्थ अच्छी है तो हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट इसकी बैटरी हेल्थ अराउंड 88-87% के आसपास है तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह का इशू भी दिखा। बाकी इन दोनों की गेमिंग में आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे 120 हर्ट्ज के कारण आपको गेम्स में 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि गेमिंग का लेवल अनदर लेवल पे पहुंचा देता है। तो ओवरऑल 120 हर्ट्ज के कारण हाँ आप आईफोन 14 प्रो मैक्स में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन अगर गेमिंग वगैरह में इतना ज्यादा नहीं है, डिस्प्ले वगैरह का इतना ज्यादा नहीं है आपको, तो हाँ आईफोन 12 प्रो मैक्स भी बहुत ज्यादा कमाल का फोन है। अब बढ़ते हैं मैंने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि इनकी बैटरीज। आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 3687 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh की बैटरी मिलती है। तो डेफिनेटली जो बैटरी बैकअप मिल रहा है अगर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स से 14 प्रो मैक्स में आ रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा आपको बड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है अगर आप ऑलवेज ऑन ऑफ रखते हो, तो अगर ऑलवेज ऑन ऑन रखते हो तो आपको इतना कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ मे बी एक घंटे के आसपास का डिफरेंस मिल सकता है आपको बैटरी में इन दोनों के कंपैरिजन में, बाकी क्योंकि आपका आईफोन 12 प्रो मैक्स आप काफी टाइम से अगर यूज कर रहे हो उसकी बैटरी हेल्थ कम हो गई तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा 14 प्रो मैक्स में, और अगर इसका ऑलवेज ऑन ऑफ रखते हो तो भाई फिर तो आपको 3 घंटे का ज्यादा बैटरी बैकअप मिल सकता है ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके यूज के हिसाब से कि आप इसको कैसे यूज करते हो। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। तो भाई दोनों में ही आपको 3-3 लेंसेज मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको लाइडार सेंसर मिल जाता है। आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 3 12 मेगापिक्सल के लेंसेज मिलते हैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 1 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है, 2 एडिशनल आपको 12 मेगापिक्सल के लेंसेज मिल जाते हैं वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। सेम आईफोन 12 प्रो मैक्स में तीनों ही वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो तीनों ही 12 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं। और आईफोन 12 प्रो मैक्स के अगर कैमरा मोड्स की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है HDR रिकॉर्डिंग, वो भी अप टू 30 FPS तक। इसके अलावा इसमें आपको सिनेमैटिक मोड नहीं मिलने वाला है, इसमें एक्शन मोड नहीं मिलने वाला है, तो हाँ डेफिनेटली इसमें ये सारे मोड्स तो नहीं मिलेंगे, बाकी ये कि आप HDR रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K 30 FPS पे और नॉर्मल रिकॉर्डिंग आप 4K 60 FPS पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इनका सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये है इनका फ्रंट कैमरा, मेरे लेफ्ट साइड पे आईफोन 12 प्रो मैक्स, मेरे राइट साइड पे आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड दोनों के दोनों शूट कर रहे हैं 1080p एट 60 FPS पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का आउटपुट में क्या डिफरेंसेस हैं एंड डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो यहाँ पे विनर है आईफोन 14 प्रो मैक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है यहाँ पे। अब ये इन दोनों का बैक कैमरा है, मेरे लेफ्ट में आईफोन 12 प्रो मैक्स, मेरे राइट में आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे आपको सिनेमेटिक मोड का 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा एक्शन मोड मिल जाता है, फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिलने वाले हैं। साथ के साथ इसमें एक और चीज आपको मिलती है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एकदम पास में जाके फोटो खींचते हो तो ये मैक्रो मोड में शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक एडिशनल मैक्रो मोड भी मिल
मिलने वाला है। और यही नहीं, यहाँ पे जो 48 मेगापिक्सल का लेंस है ये जूम करके आपको एक एडिशनल 2x लेंस प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है, क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपके पास 1x के बाद सीधा 3x का ऑप्शन होता था, लेकिन 14 प्रो मैक्स आप 1x, 2x एंड 3x में शूट कर सकते हो, तो ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। एंड अगर ओवरऑल लेंसेज की बात करूं तो काफी ज्यादा अपग्रेडेड है आईफोन 12 प्रो मैक्स से आईफोन 14 प्रो मैक्स में। कलर एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, कंट्रास्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है ये। तो डेफिनेटली अगर आप कैमरा को अपग्रेड करना चाहते हो अपने पुराने वाले, तो 12 प्रो मैक्स से 14 प्रो मैक्स में जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मोड्स भी मिल रहे हैं, साथ के साथ जो लेंसेज हैं ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और अगर बात करूं इन दोनों के फ्रंट कैमरा की, तो दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाएगा आईफोन 14 प्रो मैक्स में। तो डेफिनेटली ये फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है 14 प्रो मैक्स का। तो गाइस कुछ अदर फीचर्स की बात करते हैं जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में मिलते हैं एंड 12 प्रो मैक्स में नहीं। सबसे पहला, अब आप आईफोन 14 प्रो मैक्स की फेस आईडी को वर्टिकल मोड में भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने फोन ऐसे पकड़ा हुआ है तो भी आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है, बाय चांस अगर आपकी कार क्रैश हो जाती है तो ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को कॉल कर देगा, उन तक आपकी लोकेशन पहुंचा देगा। नंबर 3, यहाँ पे आपको सैटेलाइट SOS का फीचर मिल जाता है, जो कि सिर्फ US एंड कनाडा में काम कर रहा है फिलहाल। वहां अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, एंड अगर आप इमरजेंसी SOS करना चाहते हो तो सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हो, एंड सैटेलाइट के थ्रू ही अपनी लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को। इसके अलावा नंबर 4, यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड 5G मिलेगा, यहाँ पे जो बैंड्स है ये ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स में। तो देखो भाई, अगर अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स अगर आज की डेट में बेचने जाओगे तो मेरे को लगता है कि अराउंड 50,000 के आसपास शायद आपका बिक सकता है 128GB वेरिएंट। और अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने जाओगे तो भाई आपको 1,00,000 रुपए तक और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा 256GB वाला वेरिएंट है ये 1,50,000 रुपए का है। तो देखो भाई, अगर अपग्रेड्स की बात करूं तो डेफिनेटली यहां पे अपग्रेड्स हैं, लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स कहीं से भी कम नहीं है। अगर आप इसको फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर रहे हो भाई, 3-3 लेंसेस हैं, लाइडार सेंसर है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ये। अगर इसकी फोटोग्राफी की बात करूं तो डिस्प्ले की बात करूं, OLED डिस्प्ले है, एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको साइज भी एग्जैक्टली सेम ही मिल रहा है डिस्प्ले का। हाँ, 60Hz वाला डिस्प्ले है, लेकिन कहीं से भी ये कम नहीं है। अभी एप्पल ने जो नए आईफोन 14, 14 प्लस निकाले हैं, इसमें भी आपको 60Hz वाला ही डिस्प्ले मिल रहा है। तो भाई डिस्प्ले के मामले में भी ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। परफॉर्मेंस की बात तो छोड़ ही दो भाई, परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 14 प्रो मैक्स को भी टक्कर दे रहा है ये। एंड मैंने आपके सामने इन दोनों का कंपैरिजन किया, कोई भी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा मुझे। इवन ये 2 साल पुराना फोन है इसके कंपैरिजन में। तो भाई देखो, अगर आपको लगता है कि 1,00,000 रुपए लगा के अगर आपका जो डिस्प्ले ये अपग्रेडेड हो जाएगा, बैटरी अपग्रेडेड हो जाएगी, कैमरास अपग्रेडेड हो जाएंगे, तो हाँ हो जरूर जाएंगे, पर ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या 1,00,000 रुपए और आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं। और देखो, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई आईफोन 12 प्रो मैक्स बहुत अच्छा है, आज की डेट में यूज कर सकते हो, एंड मेरे हिसाब से तो इस वाले फोन को 1 साल और यूज करो, आईफोन 15 प्रो मैक्स में अपग्रेड कर लेना, वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। एंड तब आप अगर इसको सेल करोगे तो अगर इसकी वैल्यू आपको 35,000 to 40,000 भी मिली, एंड नया आईफोन अगर सेम प्राइस का भी लॉन्च हुआ तो भी आपको 1,10,000 के आसपास ही खर्च करने पड़ेंगे, एंड आपको इससे और भी ज्यादा अपग्रेडेड फोन मिलने वाला है। और अगर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स का फुल रिव्यू चाहते हो मुझसे, कि मैं सिर्फ इस वाले फोन को रिव्यू करूं कि इसको अभी लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और भी ज्यादा इन डेप्थ में इसको रिव्यू करूंगा कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल अगर कंक्लूजन की बात करूं तो देखो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। अपग्रेड बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, यहाँ पे डिस्प्ले भी अपग्रेडेड है, बैटरी भी अपग्रेडेड है, परफॉर्मेंस तो देखो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा था ये, तो थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो गई है, डायनामिक आइलैंड आ चुका है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को 2000 निट्स तक कर दिया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुका है, कैमरास में बहुत सारे अलग अलग मोड्स आ चुके हैं। तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर इन कैमरास की नीड है तो अपग्रेड कर लो। डायनामिक आइलैंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिल को अच्छा लग रहा है, तो अपग्रेड कर सकते हो, नहीं तो आईफोन 12 प्रो मैक्स भी बहुत कमाल का है, 5G है, डिजाइन आईफोन 14 प्रो मैक्स के जैसा ही है, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।